आज जनता कितना ठगा महसूस कर रही है। एसएमसी, एसएमसी क्या है ये? देना था ऐसे स्कूल, दिया भ्रष्टाचारी को स्पा। जनता को स्कूल देना है, 500 बनाएंगे, मनाया एक नहीं 25 बंद हो गए। ऐसे जनता के लिए स्कूल, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री के लिए स्पा। एम, हम मेडिकल हॉस्पिटल बनाएंगे, सुविधाएं देंगे जनता को। एम, जनता को मेडिकल सुविधाएं, अपने भ्रष्टाचारी मंत्री को एम से मसाज चल रहा है। कौन सा मसाज चाहिए, वहां पे मेन्यू लगा होगा। डीप टिश्यू चाहिए, सतही चाहिए, पत्थर से करें, तेल से करें, मजाक बना दिया आपने लोकतंत्र को। हैं, मेडिकल सुविधाएं देनी थी एम से, मसाज दे रहे हैं। सी, कॉलेज बनाएंगे बच्चों को, हम कॉलेज देंगे। बच्चे कॉलेज जाने लगे, स्कूल गए। बच्चा केजरीवाल से कहता है पढ़ेंगे कहां, टॉयलेट की सीट दिखा के कहते हैं ये सीट है, यही कुर्सी है, टॉयलेट को हम क्लास मानते हैं। अब आप मुझे बताइए, सी से देना था कॉलेज और सी से करा रहे हैं चंपी है? ये कौन केजरीवाल है भाई, ये गंभीर बात है। ये बताने का मकसद ये है, महाठगों के ठग, कट्टर बेईमान, खुद को अवतार बताते हैं हिंदू भगवान का, कृष्ण भगवान का। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचारी हो, जिसके रगों में खून से ज्यादा भ्रष्टाचार दौड़ रहा हो, वो व्यक्ति कहां छुपा है आज? एक जेल जहां कड़ी सुरक्षा होती है, उस कड़ी सुरक्षा को भेद कर नियम कानून होते हैं। प्रिजन एक्ट पढ़िए अरविंद केजरीवाल, उसको ताक पर रखकर आप एक भ्रष्ट मंत्री को पहला हटाते नहीं है, दूसरा उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। ये मसाज क्या हो रहा, क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा? और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर निकलो, बताओ ये मसाज क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब आप जेल में होते हैं तो आप किसी और कैदी की तरह होते हैं, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान कहता है। एक निर्धारित कपड़े होते हैं, निर्धारित कपड़े हर कैदी और आरोपी को पहनने होते हैं। ऐसा क्यों है, टी शर्ट में बैठे हैं, ये बताएंगे अरविंद केजरीवाल। तीसरी बात, जो भी मिलने आएगा किसी कैदी से, एक समय होता है और कितने विजिटर्स आएंगे ये निर्धारित होता है, ये प्रिजन एक्ट है और जेल मैनुअल भी कहती है। एक वीडियो है जिसमें चार व्यक्ति उस सेल में, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान, 5 महीने से जिनकी बेल नहीं हुई है, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और चार व्यक्ति वहां अंदर हैं और बातचीत चल रही है।
आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि भारत रत्न मिलना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, भारत रत्न देंगे। चौथी बात, सबसे बड़ी शंका जो हमारी जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, जिसपे आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, अगर बेल नहीं होती है तो मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आपको बता दूं, न्यायालय हमेशा संज्ञान लेता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर गया तो जो एविडेंस है, जो तथ्य हैं, जो विटनेस हैं, उससे छेड़छाड़ ना करें, तो वो समाज से दूरी बना के रखता है। यहां चार चार व्यक्ति अंदर आ रखे हैं, ये आरोप है अरविंद केजरीवाल आप पे, आरोप लगाते हैं आप पे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, प्रमाण मिटाए जा रहे हैं, और ये कोई और नहीं कर रहा, ये महाठग अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं।